प्यारे साथियों, तो साथियों आज फिर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि पिछला वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसमें मॉक टेस्ट है जो न्यूट्रिशन मतलब पोषण और विटामिन से रिलेटेड है। विटामिन का चैप्टर नेक्स्ट जल्दी करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या बताने वाले हैं, तो सिंपली हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लो और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपने अभी तक पोषण और विटामिन में क्या क्या पढ़ा है। पोषण के लिए मैंने एक क्लास मेरी बना दी है, शॉर्ट कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वैसे भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर हम पोषण और विटामिन पर कुछ क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तो हम कर देते हैं स्टार्ट। तो सिंपली हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ जाता है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यकता होती है। कौन से विटामिन को खून को जमने में सहायता करता है, आवश्यकता होती है, सबको पता है, हमने पहले पढ़ा होगा या नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से विटामिन के बारे में अपलोड करने वाला हूँ। तो होता है विटामिन के, खून का जो थक्का जमता है जिसे हम थक्का कहते हैं, वो विटामिन के की वजह से जमता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन है। पोषण में भी आपको बताया गया है कि एंजाइम प्रोटीन होता है, ठीक है, मतलब प्रोटीन एंजाइम जो होता है वो एक प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर ही आपको एंजाइम मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन आपको बता दूँ वो मिलता है गाजर में, किस मिलता है गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन रक्त के संघनन कार्य करता है। संघनन मतलब रक्त को जमाने का कार्य करता है, अब बताया था आपको विटामिन के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है। कोबाल्ट, इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोबाल्ट कहा जाता है विटामिन B12 को, किसको कहा जाता है, B12 का नाम है कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में कौन सा मिनरल सबसे अधिक होता है। तो एक चीज़ समझा दूँ कि जो हरी पत्तेदार सब्जी होती है, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, सब में एक चीज़ कॉमन मतलब सबसे अधिक मिनरल्स कौन सा मिलता है, आयरन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में देखने को भी मिला है, तो क्या होता है, आयरन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। त्वचा को स्वस्थ या फ्रेशनेस करने के लिए हमें चाहिए विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में पता ही होगा, वैसे चैप्टर में जल्दी से लेकर आऊँगा, उसमें पता चल जाएगा कि विटामिन ए बी सी बी के सारे भाग के क्या होती है। बहुत ही छोटा चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आऊँ, इंपॉर्टेंट नोट के साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली चैनल को करना है सब्सक्राइब, और साथ में वीडियो अच्छा लगता है तो कर दीजिए लाइक, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर तो ज़रूर कर दिया करो वीडियो। तो साइनोकोबालामीन है, क्या है साइनोकोबालामीन, विटामिन बी बारह में साइनोकोबालिन है, ये मैं चैप्टर में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। प्रोटीन किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है सोयाबीन के दाने में, मतलब सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होती है, दाना मान लो या सोयाबीन मान लो, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होती है। अब चलते हैं फाइनल लास्ट क्वेश्चन में, तो किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा था लोहा आयरन किस मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, पढ़ा था पालक, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या होता है, लोहा मतलब आयरन। तो हमने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो और भी लेकर आऊँ, तो उसके लिए सिंपली आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाना, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।